अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अक्की और मास्टर कुकिंग विद अक्की में आप सबका स्वागत है। बहुत दिन से कुछ बेक नहीं किया, सोचा आज बेक कर लेते हैं। तो झटपट से एक रेसिपी दिमाग में आई, वही रेसिपी आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलिए तो फिर आप और हम साथ मिलकर बनाते हैं एगलेस चॉकलेट कपकेक्स। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ हमने ले लिया है एक बड़ी साइज़ का बॉल, उसके ऊपर हम ले लेते हैं एक छन्नी। छन्नी के अंदर अब हम ऐड करते हैं 1.5 कप मैदा, साथ ही में हम ऐड कर देते हैं 1/3 कप कोको पाउडर। दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान लेंगे। इसका छानने का यही मतलब होता है कि इसमें एयर भर जाए और हमारा बैटर लाइट और फ्लफी बन जाए। अब हम इसमें ऐड करते हैं 1/2 चम्मच नमक और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 1/4 कप बारीक चीनी। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार है। इसे अब हम साइड में रख लेते हैं और हम लिक्विड इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप पानी। पानी के अंदर ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस और 1/2 कप सनफ्लावर ऑयल। सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे अब हम थोड़ा थोड़ा करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर देंगे और एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। एक साथ सारा लिक्विड ऐड नहीं करना है, हमें इसे हिलाते हुए लम्स ना पड़े इसी तरह हमें एक स्मूथ बैटर तैयार करना है। और ये आप देख सकते हैं हमारा केक का बैटर बनकर तैयार है। कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। एक सेहत होता है, हनी होता है, उसकी जैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यहाँ मैंने ले लिया है कपकेक की बेकिंग ट्रे, इसके अंदर हम ऐड करते हैं कपकेक मोल्ड्स और एक आइसक्रीम स्कूपर की मदद से हम कपकेक्स मोल्ड के अंदर हमारा बैटर पोर कर लेंगे। टू स्कूपर हमने ऐड कर दिया है। इक्वल मेजरमेंट से सारे कपकेक्स बने इसलिए हमने स्कूपर की मदद ली है। आप चाहे तो चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम अच्छे से इसे टैप कर लेंगे ताकि सारे एयर बबल्स निकल जाए। अब हम इस पर ऐड करते हैं चोको चिप्स। ये होममेड चोको चिप्स है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चोको चिप्स की रेसिपी मिल जाएगी। इस बैटर से हम 12 कपकेक्स बना सकते हैं। अब हम इसे बेक कर लेंगे 180 डिग्री पर 20 से 22 मिनट तक। और ये देखिए हमारे एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट कपकेक्स बेक होकर तैयार है। इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दीजिए ठंडा होने तक। और ठंडा होने के बाद चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। सर्व करने से पहले यहाँ हम प्लेटिंग के लिए कुछ तैयारी कर लेते हैं। मैंने ले लिया है शुगर और कॉफ़ी का मिश्रण और इसे हम एक छन्नी में डालकर इसी तरह ऐड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से एक डिज़ाइन बनकर तैयार होगी। अब इसी खाली जगह के अंदर हम कपकेक्स रख देंगे। चलिए अब हम निकालते हैं रैपर में से।
और ये आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और मॉइस्ट कपकेक बनकर तैयार है। इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। है ना एकदम आसान रेसिपी और झटपट से बनने वाली रेसिपी। चलिए तो फिर आप भी बनाइए, अपने परिवार को खुश रखिए, स्वस्थ रहिए और मुझे आप सबकी दुआओं में याद रखिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए शुक्रिया।